दूसरे के पास चला दो स्टूडेंट्स आई एम जिलारी योर साइंस टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर वेरी फर्स्ट यूनिट द नेम ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट इज लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल अ जनरल डेफिनेशन ऑफ साइंस टू इंडिविजुअल्स स्टूडेंट्स साइंस इज अ नॉलेज व्हिच वी कैन गेट फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स साइंस इज ए नॉलेज व्हिच वी कैन गेट फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द बुक व्हाट आवर बुक से अबाउट साइंस द स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स दैट टेक प्लेस अराउंड अस कॉल्ड साइंस ए पर्सन हु स्टडीज साइंस इज कॉल्ड अ साइंटिस्ट अ साइंटिस्ट नॉट ओनली लुक्स एट थिंग्स बट आस्क क्वेश्चंस अबाउट अबाउट दैट थिंग्स व्हिच वी आर सीइंग एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट बेटर आंसर्स फॉर देम देन ही आर शी राइट हर आर हिज कंक्लूजन इन हर बुक और नोट A scientist uses scientific methods to answer questions he or she works in a special room called a laboratory. There are many instruments in a laboratory. They have been invented to help scientists make accurate measurements and calculations for the experiments they perform. Students, notice one thing. When a scientist is studying about a thing, many questions can arise in his or her mind. Questions may be is some questions are written in your book. One question is identify the question to find out whether all insects have six legs. Number two, collect information. Collect different kinds of insects. Number three, perform an experiment. Use a magnifying glass in order to count the number of legs of each insect. Number four, record the results. Make a list of all the insects and the number of legs each one has. Number five, analyze the result. Each insect has six legs. Number six, reach a conclusion. It is highly likely that all insects have six legs. Looking at laboratory, what is laboratory? A laboratory is a place where scientists can perform our studies about his experiments and his work. It contains lots of scientific equipment called apparatus, which is kept in the cupboard or on the shelves. Chemicals are kept in the laboratory in bottles called reagent bottles. Specimens of animals and plants are displayed on shelves and in cupboards. Students, there is a machine which is very common in every type of laboratory. The name of that machine is microscope. Students, now I am translating my whole reading which I read in front of people. Students, मेरा नाम तेजार है और आज से हम अपने पहले यूनिट का आगाज करने वाले हैं और हमारे पहले यूनिट का नाम है लर्निंग टू बी ए साइंटिस्ट यानी कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना है यानी कि साइंटिस्ट बनने के लिए हमें कौन सा तरीका इख्तियार करना होगा सबसे पहले मैं आपको एक आम जिंदगी की डिफिनेशन बता देता हूँ साइंस के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है कहा जाता है कि साइंस ऐसा इल्म है जो कि तजर्बात और मुशाहदात की बिना पर हासिल किया जाता है और स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट यानी कि मुशाहदा और तजर्बा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं मुशाहदा कहते हैं कि जो चीज़ आप किसी को देखकर सीख रहे हो उसे कहा जाता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कहते हैं वो चीज़ वो काम जो अपने आप हाथ से कर रहे हैं अब इसके बारे में आपकी बुक के अंदर क्या लिखा है अब हम उसी तरफ चलते हैं ये कह रहे हैं कि जो भी हमारे लाइफ के अंदर हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें रूनुमा होती हैं या तकलीफ होती हैं उसे साइंस कहते हैं और जो शख्स इनके बारे में पढ़ता है इनके बारे में इल्म हासिल करता है उसे साइंटिस्ट कहते हैं साइंटिस्ट जब भी कोई चीज़ देखता है तो उसके दिमाग के अंदर उसके मुताबिक बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो जाते हैं जिनका वो अपनी तहकीक की बिना पर जवाब तलाश करता है
और फिर उस तहकीक को अक्स करके उसका एक मुकम्मल कंक्लूजन बनाकर अपनी बुक या फिर जहाँ वो लिखता है लिख लेता है। स्टूडेंट्स, कोई भी साइंटिस्ट अपना काम जब करता है तो वो एक खास कमरे के अंदर करता है और उस कमरे को हम लेबोरेटरी कहते हैं। लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे आलात रखे हुए होते हैं जिन्हें आप अपर्टस कहते हैं, और वो जो अपर्टस है, वो जो औजार है, उसे उसकी तहकीक के बारे में बिल्कुल सही हल करने में मदद देते हैं। स्टूडेंट जब भी मसलन कोई साइंसदान कोई चीज़ देखता है तो उनके बारे में सोचता ज़रूर है। मसलन एक साइंसदान है, वो किसी इंसेक्ट पर सर्च कर रहा है यानी तहकीक कर रहा है, तो हम देखते हैं कि इंसेक्ट की सी सिलेक्ट होती है, तो वो क्या करेगा कि काफ़ी सारे इंसेक्ट्स को इकट्ठा करेगा और सबकी जो कि लेग से वो काउंट करेगा कि आया सबके सिक्स लेग्स ही हैं या कुछ ऊपर नीचे भी हैं। तो स्टूडेंट जाना कि अगर काफ़ी सारे इंसेक्ट्स इतने छोटे होते हैं जितने जिन्हें हम अपनी कुदरती आँख के साथ नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें एक स्पेशल मशीन की ज़रूरत होती है, स्पेशल आले की ज़रूरत होती है जिसे आप माइक्रोस्कोप कहते हैं। अगर माइक्रोस्कोप नहीं है तो एक और चीज़ हमारे पास मौजूद है जिसे आप मैग्नीफाइंग गिलास कहते हैं। माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग गिलास हमें उस छोटे से इंसेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है जिसके ज़रिए हम अपनी जो रिसर्च है अपनी जो सर्च है उसके बारे में हम मुफीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। फिर जब वो बहुत सारे इंसेक्ट को इकट्ठा कर लेगा तो वो ये कहने के काबिल हो जाएगा कि अमूमन तकरीबन जो भी इंसेक्ट्स हैं उनकी 6 टांगें ही होती हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लाइब्रेरी जो होती है वो एक खास कमरा होता है जिसके अंदर कोई भी साइंटिस्ट कोई भी साइंसदान अपनी रिसर्च का के बारे में पढ़ता है, उनके बारे में तहकीक करता है, और उस लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे औजार पड़े होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट पड़े होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि उन्हें अपर्टस कहा जाता है, और उसी लेबोरेटरी के अंदर केमिकल्स भी रखे होते हैं। केमिकल जो होते हैं वो बोटल्स में होते हैं और उन बोटल्स को रिजेंट बोटल्स कहा जाता है, और उसी लेबोरेटरी के अंदर आपको कई जानवरों कई पौधों के नमूने भी रखे हुए मिलेंगे, और वो नमूने जो होंगे वो किसी कपबोर्ड या फिर शेल्फ के ऊपर रखे हुए होंगे, और साथ साथ उस रूम के अंदर काफ़ी सारे आपको चार्ट्स भी नजर आएंगे। वो चार्ट्स आपको मालूम देंगे जिनके बारे में वो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है या फिर उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें उस लेबोरेटरी के अंदर मौजूद है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा, आपके पास किताबें मौजूद होंगी, और अभी स्टूडेंट्स मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। आपके लिए होमवर्क ये है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 2 पर मौजूद है यूनिट। आपने क्या करना है कि इस पेज के ऊपर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और फिर उन वर्ड्स को अपनी नोटबुक पर लिखना है, और उसके बाद अपनी डिक्शनरी में से उनकी जो मीनिंग्स हैं वो अपने फाइंड आउट करके उसके ऊपर लिख लेंगे। छोटे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, वी विल सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।